छोटे छोटे से बीज बोता, वहीं एक बड़ा खेत होता। जिसकी दरकार होती उसे बोकर उसे वह तभी सोता। खेतों का कण कण है जिसकी जान, महान पुरुष है वो किसान, महान पुरुष है वो किसान। प्यारे बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है अन्नदाता कृषक। पौ फटते ही जो मचाए विहग डाल पर शोर, शीतल मंद बयार जगाती, चल उठ हो गई भोर। पौ फटते ही अर्थात सूरज के निकलने से पहले आसमान में जैसे ही लालिमा छा जाती है, वैसे ही पक्षी डाल पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। ऐसा लगता है कि वो ठंडी ठंडी हवा किसान को यह कहकर जगा रही हो कि सुबह हो गई है, उठ जाओ और अपने कर्म क्षेत्र की ओर प्रस्थान करो। बच्चों, जानते हो किसान का कर्म क्षेत्र क्या होता है? खेत। तो ऐसा लगता है कि पौ फटते ही पक्षी और हवा दोनों किसान को सुबह होने की सूचना दे रहे हों। बच्चों, गांव के लोग आज भी खुले आंगन में और छत पर सोना पसंद करते हैं। उन्हें एसी की और पंखों की हवा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खुले में सोना उन्हें बहुत प्रिय होता है। और आप जानते हो कि सुबह उठने के लिए वो किसी मोबाइल का अलार्म या घड़ी का अलार्म का इंतज़ार नहीं करते। उन्हें सुबह की प्रातः की लालिमा और पक्षियों का कलरव और ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श जगा ही देता है। तो देखिए, इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पौ फटना यानी कि सूरज निकलने के पहले आसमान में जो लालिमा छा जाती है उसे ही पौ फटना कहते हैं। बयार अर्थात हवा, पवन, विहग पक्षी, भोर सुबह। कांधे रख हल चल पड़ा वह, वृषभ सखा संग ले अपने, जा पहुंचा निज कर्म क्षेत्र में, प्रातः लालिमा से पहले। बच्चों, किसान बिना आलस्य किए उठ जाता है और अपने कांधे पर हल को रख कर और अपने मित्र, उसके मित्र कौन होते हैं? बैल, उनको अपने साथ में लेकर अपने कर्म क्षेत्र यानी अपने खेत में सुबह लालिमा से पहले ही पहुंच जाता है। बच्चों, किसान किसी भी तरह का आलस्य नहीं करता। वह बीज बोने से लेकर फसल कटने तक पूरी लगन और मेहनत से काम करता है। कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। कर्म क्षेत्र यानी कर्म भूमि, कार्य क्षेत्र जहां हम कार्य करते हैं। वृषभ बैल, निज अपना। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरे खलिहान, पूजा वंदना खेत है मेरी, माटी में पाऊं भगवान। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में किसान कह रहा है कि मेरा दीन धर्म, मेरा कर्तव्य है परिश्रम करना। और खलिहान, खलिहान का अर्थ होता है वह स्थान जहां पर फसल काट कर रखी जाती है और फसल से अनाज को अलग किया जाता है। तो उस खलिहान को किसान अपना मंदिर मानता है। वह कहता है पूजा वंदना खेत है मेरी, यानी उस खेत जहां वह फसल उगाने के लिए नित्य प्रति प्रयास करता है, मेहनत करता है, वह उसकी पूजा है। खेती करना उसकी पूजा है। और माटी में पाऊं भगवान, उसको अपने खेत की मिट्टी में भगवान का दर्शन होता है। जिस प्रकार मनुष्य जब मंदिर में जाता है और पूजा करता है तो उसके बाद उसे प्रसाद मिलता है, ठीक इसी प्रकार किसान जब अपने खेत की वंदना और पूजा करता है और मिट्टी को भगवान के समान मानता है तो ये मिट्टी रूपी भगवान उसे फसल रूपी प्रसाद जब देता है तो किसान अपने को धन्य मानता है। उसे अपनी मिट्टी में ही भगवान के दर्शन होने लगते हैं। कर्म भूमि के यज्ञ में संग हैं सुत वित वनिता और परिवार,
अन्न की बाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। इस कर्मभूमि के यज्ञ में बीज बोने से लेकर फसल कटने तक किसान का पुत्र, उसकी पत्नी, उसकी धन दौलत और उसका पूरा परिवार उसका पूरा साथ देता है। और जब किसान की फसल पककर तैयार हो जाती है और उसकी बाली निकल आती है तो किसान अन्न की बाली का दर्शन कर स्वर्ग जैसे सुख का अनुभव करता है। स्वर्ग का अर्थ होता है सुख। और जब किसान अपनी मेहनत का फल पा लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो वो स्वर्ग के द्वार पर खड़ा हो, उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है। मानवता का तू है मसीहा, सबकी भूख मिटाता है, अवतारी है तू इस मही पर, परमेश्वर अन्नदाता है। कवि ने किसान को मसीहा कहा है क्योंकि वह सबकी भूख मिटाता है। मसीहा का अर्थ होता है वह जो किसी को मुक्त कराए या किसी के कष्ट को दूर करे। किसान सबकी भूख मिटाता है, मानवता के लिए सबसे कल्याणकारी कार्य करता है। अपने सुख दुख की परवाह ना करते हुए दिन रात खेतों में काम करता है। अवतारी है तू इस मही, मही अर्थात धरती। इस धरती पर किसान ईश्वर का ही एक अवतार है, परमेश्वर अन्नदाता है। जिस प्रकार परमेश्वर हम सबका पालन करता है, ठीक उसी प्रकार किसान हम सबका भरण पोषण कर अन्नदाता के समान हम सबका पालन करता है। तो वास्तव में किसान ईश्वर के समान ही है। इसलिए किसान को कवि ने परमेश्वर अन्नदाता कहा है। कृषक तेरी ऋणी रहेगी सकल जगत की मानवता, यदि न बोता अन्न बीज तू, क्या मानव कहीं टिक पाता। कवि कह रहा है कि हे किसान, हम सभी तेरे ऋणी रहेंगे, यानी तेरे एहसान मंद रहेंगे, क्योंकि अगर तू अन्न बीज ना बोता तो क्या मानव टिक पाता। इस संपूर्ण जगत की मानवता क्या इस धरती पर टिक पाती? नहीं, क्योंकि बिना अन्न के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। आजकल के समय में डॉक्टर, इंजीनियर तो सभी बनना चाहते हैं, पर क्या कोई किसान बनना चाहता है? सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक किसान का बेटा भी किसान नहीं बनना चाहता। आजकल के चलते दौर में हर कोई आजीविका कमाने के लिए सरल से सरल काम करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि पाना चाहता है, लेकिन किसान जैसा कठिन परिश्रम कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि किसान को कई बार उसकी मेहनत का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। इसलिए मनुष्य को सदैव किसान का ऋणी एहसान मंद रहना चाहिए, क्योंकि वह कठिन परिश्रम करके अपनी मेहनत से खेत में अन्न उगाता है। हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन अपना मिटा के देता है तू जीवन औरों को, सुर संत सन्यासी गुरु सम है आराध्य तू इस जग को। प्यारे बच्चों, कवि ने इस पद्यांश में किसान की तुलना देवता, संत, सन्यासी और गुरु से की है, क्योंकि किसान अपना जीवन मिटाकर अपने सुख दुख, धूप, बारिश, आंधी, तूफान, किसी की परवाह ना करते हुए अन्न उगाकर औरों को जीवन देता है। वो केवल अपने सुख के लिए नहीं सोचता, वह मानव जाति के कल्याण के लिए अन्न उगाता है। जिस प्रकार देवता, संत, सन्यासी और गुरु हम सबके कल्याण के लिए, हम सबकी भलाई के लिए सोचते हैं, ठीक उसी प्रकार किसान भी हम सबके कल्याण के लिए कार्य करता है। तभी कवि ने किसान को आराध्य कहा है। आराध्य का अर्थ होता है जिसकी पूजा की जाए। जिस प्रकार हम देवता, संत, सन्यासी और गुरु की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार किसान भी पूजनीय है,
पूजा करने योग्य है क्योंकि वह अन्नदाता परमेश्वर के समान है। इसलिए कवि ने किसान को आराध्य यानी पूजनीय कहा है। सुर का अर्थ होता है देवता, संत यानी सज्जन और महात्मा। सन्यासी उसे कहते हैं जो त्यागी होता है, विरक्त होता है, जिसने अपने सुखों का त्याग किया हुआ होता है। धन्य है तेरे पंच तत्व को जिसने रचा है तन तेरा, नर रूप नारायण है तू, तुझे नमन शत शत मेरा। इस अंतिम पद्यांश में कवि किसान को सौ सौ बार प्रणाम कर रहा है। कवि कह रहा है कि धन्य है तेरे पंच तत्व जिसने तेरे शरीर की रचना की है। पंच तत्व होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पांचों तत्वों से मिलकर हमारे शरीर की रचना होती है। कवि किसान के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव प्रकट करते हुए कहता है कि हे किसान, तू मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर है, नर रूप में नारायण है। तेरे इस उपकार के लिए तुझे पूरी मानव जाति का सौ सौ बार प्रणाम है। किसान स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए कार्य करता है, मानव जाति के लिए कल्याण करता है। इसलिए कवि किसान को अंतिम पद में सौ सौ बार प्रणाम कर रहा है। प्यारे बच्चों, हमें किसान का आदर करना चाहिए और साथ ही साथ वह जो अन्न इतनी मेहनत से हमारे लिए उगाता है उसे व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। हमें अन्न का पूरा सम्मान करना चाहिए।